कभी चोरी की है, वो भी ऐसी चोरी जो लीगल हो, घर का मालिक खुद आपके लिए दरवाजे खोले और कहे आओ और सामने से ले जाओ। कुछ ऐसा ही हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। अब एक और चौंकाने वाली खबर आई है इलेक्टोरल बॉन्ड की। जी हाँ, SBI ने एक बार फिर धोखा दिया है। SBI ने सुप्रीम कोर्ट और देश की जनता को बेवकूफ बनाया है। क्या सुप्रीम कोर्ट और देश की जनता को आधा सच बताया गया है? अडानी लिंक्ड कंपनी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिया है, क्या उस डाटा को भी हटाया गया है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि SBI ने कोटक महिंद्रा द्वारा बीजेपी को दिए गए चुनावी बॉन्ड का आधा अमाउंट ही डिस्क्लोज किया है। बाकी अमाउंट को SBI ने क्यों छुपाया, कैसे छुपाया? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा आधा अधूरा सच है, क्या आधा झूठ से भरा हुआ है? आखिर डाटा SBI ने बदला या चुनाव आयोग ने? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, पिछले एक महीने से इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे ने सबको हैरान कर दिया, सबकी नींद उड़ा दी है। हाँ, लेकिन ये बात अलग है, मेन मीडिया से ये खबर गायब है। इस खबर को दबाने के लिए जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। अब सवाल उठ रहा है, SBI ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी चुनाव आयोग को जो डाटा दिया, क्या वो आधा अधूरा सच है? कोटक लिंक्ड कंपनी या सिस्टर की कंपनी इन्फिना कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, या आप कह सकते हैं चुनावी चंदा दिया। RBI और कोटक के बीच जो केस चल रहा था कोर्ट में, उसमें RBI ने कोटक के साथ समझौता कर लिया। अब खबर आ रही है दी वायर और जी बिजनेस के मुताबिक चुनावी चंदे का अमाउंट 600 करोड़ रुपए नहीं, 1.3 बिलियन है, जिसका मतलब है 1,350 करोड़ है, जिसका सिर्फ आधा हिस्सा भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन जैसे ही अप्रैल के महीने में कोटक महिंद्रा और इन्फिना कंपनी, जो उसकी सिस्टर कंपनी की, जब ऑडिट हुई कंपनी की, तब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन्होंने 1,350 करोड़ रुपए दिए हैं। इन्फिना कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने कुल 1.3 बिलियन रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। ये फाइनेंशियल ईयर 2019 से फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से भारतीय चुनाव आयोग को बताई गई राशि से भी दोगुने से ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी ने 760 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, लेकिन SBI के अल्पनामे में सिर्फ 350 करोड़ रुपए का खुलासा हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2019 और फाइनेंशियल ईयर 2020 के दौरान कोटक इकाई ने 1.06 बिलियन रुपए के बॉन्ड खरीदे, और ये वो साल है जो उदय कोटक के लिए नाजुक थे, क्योंकि अगस्त 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक KMB के उस प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें प्रोविंशियल शेयर के जरिए बैंक में उदय कोटक की हिस्सेदारी कम करना चाहते थे। KMB ने इस मामले में दिसंबर 2018 में बैंकिंग रेगुलेटर RBI को कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि RBI का पक्ष काफी मजबूत था, ऐसे में जनवरी 2020 में शर्तों पर अदालत के बाहर उदय कोटक के पक्ष में समझौता कर लिया। हालांकि पब्लिक के लिए RBI का ये कदम समस्या पर था। RBI के अपमानजनक समर्पण के कारणों से जनता पूरी तरह अनभिज्ञ थी, लेकिन ये समझौता माना जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये समझौता इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हुआ है। चुनावी बॉन्ड डेटे का खुलासा और तथ्य ये है कि वित्त वर्ष 2020 में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 350 मिलियन रुपए दिए गए थे। अब सवाल तो उठेगा ही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद SBI ने आधा अधूरा सच क्यों परोसा? मतलब 1,310 करोड़ के बदले RBI को कोटक महिंद्रा के आगे घुटने टेकने पड़े। SBI के अनुसार ये चंदा 600 करोड़ है, जबकि कंपनी खाते के अनुसार ये चंदा 1,310 बिलियन का है। करीब करीब मान के चलिए 1,350 बिलियन का लेन देन हुआ है, जिसका आधा दिखाया गया। एशिया के सबसे अमीर बैंकर कॉरपोरेट गवर्नर्स के विशेषज्ञ और अक्टूबर 2017 में सेबी समिति में
कोऑपरेटिव गवर्नर्स के अध्यक्ष रहे उदय कोटक का हाथ अब चुनावी बॉन्ड मामले में मजबूती से पाया गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की एक रिपोर्ट में हाल ही में इस तथ्य पर रोशनी डाली गई कि कोटक परिवार समूह से संबंधित कंपनी इन्फिना कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने 600 मिलियन रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और पूरी राशि सत्तारूढ़ भाजपा को दे दी गई। ऐसे में सवाल उठता है, जो डेटा एसबीआई के जरिए चुनाव आयोग को दिया गया उसमें कोई गड़बड़ी है, कोई झोल है क्या, क्या कोई खेल गया उस डेटा के साथ? ये सब देखकर तो यही समझ आ रहा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो डेटा है उसके साथ कुछ ना कुछ तो खेल हुआ है। क्या बाकी डेटा के साथ भी यही खेल हुआ है कि विंटर्स ग्रुप ने, फ्यूचर गेमिंग ने, मेगा इंजीनियरिंग ने शायद बीजेपी को ज्यादा चंदा दिया हो, जिसे एसबीआई ने डेटा के तौर पर घटा दिया हो, कम कर दिया हो? दोस्तों, ऐसा भी संभव है कि एसबीआई ने सही डेटा दिया हो, सटीक डेटा चुनाव आयोग को सौंपा हो, लेकिन चुनाव आयोग में ये डेटा बदलवा दिया गया हो, क्योंकि मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। सबसे बड़ी और सोचने की बात है कि अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी का नाम बढ़ चढ़कर चुनावी चंदे के मामले में सामने नहीं आया। महज अडानी कंपनीज ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को मात्र 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। ये अमाउंट जो है बाकियों के मुकाबले में बहुत कम है। सभी अडानी कंपनीज ने मिलाकर बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही, जितने प्रोजेक्ट अडानी को दिए गए उसके हिसाब से तो अडानी ने बीजेपी की झोली नहीं भरी। क्या अडानी कंपनी ने जो बॉन्ड बीजेपी को दिया है उस डेटा को भी घटाया गया है? एसबीआई ने घटाया या चुनाव आयोग ने घटाया? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या एसबीआई ने सही डेटा जारी किया और चुनाव आयोग ने घटाया, या एसबीआई ने ही डेटा को घटाकर चुनाव आयोग के पास भेजा? इससे इतना तो साफ है कि इन्फिना ने 600 नहीं 1350 करोड़ का चंदा दिया। अब सवाल ये है, जिसने बीजेपी को चंदा दिया है क्या सभी का डेटा कम करके दिया गया है? आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज के नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।